केमिस्ट्री. आपने रिसेंटली फिल्म शूट किया लेह में, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? आप कैसे, आपने कैसे डिसाइड किया आप लेह में जाके फिल्म शूट करेंगे? मैं एक फ़ोटो टूर के लिए गया था. सिया फोटोग्राफी जो हैदराबाद बेस्ड एक फोटोग्राफी ग्रुप है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये फोटो टूर. सो वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप कैमरा के साथ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए. तो मैंने फिल्म शूट करने का सोचा. मैंने सोचा कि क्यों ना एक नॉन नैरेटिव डॉक्यूमेंट्री शूट करूँ लद्दाख के कल्चर पर, लद्दाख के लोगों पर और लद्दाख की ब्यूटी पर. सो मैंने जस्ट रन एंड गन काइंड ऑफ शूट किया एंड देन व्हेन आई एडिटेड इट, इट बिकेम अ डॉक्यूमेंट्री. और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नॉट ओनली ऑफ मेकिंग द क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्री, वायर द एक्सपीरियंस विद द टेरेन एंड द पीपल? Terrain is like, it's adventurous, it's difficult, and people were like really nice, people were like kind, and when you greet them they always smile, they always give you like something to eat or like even a smile, a gesture, kind gestures, like they are really sweet people, the Ladakhi people. And my group was also nice. Like everyone was elder than me, I was the youngest, so like learned. आपका कितना बड़ा क्रू था जिसके साथ आपने क्रू नहीं था, इट एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आई शॉट द डॉक्यूमेंट्री. सो कितने डेज लगे ये फिल्म शूट करने? 10 days एंड आई वाज शूटिंग फॉर लाइक 9 days. वन डे वी वर जस्ट चिलिंग. और आपका टेक अवे क्या है इस फिल्म को शूट करने के लिए, टेक करने के बाद पहले से मैं ये सीखा कि सिनेमाटोग्राफी वाइज अगर देखें तो बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं वो आप मतलब अप्लाई करने के बाद आपको समझ में आता है कैमरा का मूवमेंट की मतलब कितना डिफिकल्ट है कैमरा मूवमेंट. आप इमोशंस के साथ, आप जो नेचर्स के मूवमेंट्स है या लोगों के मूवमेंट्स है उनके साथ आपको भी जाना पड़ता है. नॉट जस्ट सिनेमाटोग्राफी वाइज, आपको एज अ पर्सन, एज अ फिल्म मेकर भी आपको लर्न करने को मिलता है कि आप नेचर के गुलाम हैं. आप मतलब आप जो नेचर आपको दे रही है उसके हिसाब से ही चलना होगा. तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब शॉट ले रहा था तब क्लाउडी वेदर था, तो कई बार मैं जब स्टार या मिल्की वे का फोटोग्राफी कर रहा था तो कई बार ऐसा हुआ कि क्लाउड्स मिले हमें कई जगह पर तो नहीं शूट कर पाए. तो ऐसा भी होता है हमें, मतलब एक्सपीरियंसेस आर लाइक स्वीट एंड सार एवरीथिंग. दोबारा लेह में शूट करना चाहेंगे? अभी तो ये शूट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगी, तो सच में मैं एक लार्ज फॉर्मेट कैमरास पे लद्दाख के कल्चर को शूट करना चाहूंगा. नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्री बट ऑल्सो फीचर, लाइक नॉन फिक्शन फीचर फिल्म. एंड मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं लाइक फिक्शन फीचर फिल्म भी कभी शूट करो, क्योंकि लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल है. कई फिल्मों में आप देखते हैं कि काफ़ी सारे सीन्स लद्दाख के उसमें होते हैं, तो मुझे वहाँ पे आगे फ्यूचर में ऑफकोर्स शूट कर रहा है लार्ज फॉर्मेट्स पर सिनेमा कैमराज में. Is there any advice जो आप बाकी filmmakers या photographers को देंगे जो ले जाते हैं शूट करने? हाँ, मैं इतना ही कहूँगा कि आप ठंडी से बचे और आप काफ़ी तंदुरुस्त रहे, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है, जो ट्रैवलिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो आपको अगर फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी पे कंसंट्रेट करना है तो आपको खाना होगा, आपको पानी पीते रहना होगा. सो आप अगर उस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे देन आप रिकॉर्डिंग बटन जब दबाने जाएंगे तब यू नो आपका दिमाग नहीं चलेगा कि मैं क्या शूट करूँ. तो इसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी है. Is there anything else जो आप wish करते हैं कि आप उस टेरेन में, उस फिल्म में include कर पाते हैं या शूट कर पाते हैं, या पर्टिकुलर सीन कोई जो आपको बहुत enjoy किया आपने शूट करना उस टेरेन पे? वहाँ पे सोमोरीरी लेक है जो मैं पहली बार गया. ब्यूटीफुल लेक है, काफ़ी बड़ा है. तो वहाँ पर हमें बहुत सारे क्लाउड्स मिले तो हम लोग शूट नहीं कर पाए. काफ़ी बारिश थी, काफ़ी विंड्स थी, तो हमें अपने टेंट्स में ही रहना पड़ा, तो हम लोग शूट नहीं कर पाए. तो वो अगर मैं कैप्चर कर पाता तो काफ़ी अच्छा होता.
while editing also, like, I felt like I didn't capture much. So it's never ending, actually. It's a huge place. Okay, thank you, Digant. Thank you. Thank you so much. Experience unke bahut acha raha. Thank you.